नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर केवी भोसले अब बीए भाग एक हिंदी विशेष ऐच्छिक सत्र एक के सभी छात्रों का अथवा अभी उपस्थित सभी छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आप 12वीं कक्षा से बी भाग एक में प्रवेश कर चुके हैं। इस बीए भाग एक के अंतर्गत आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अभ्यासक्रम का जो चयन किया गया है वह उसका परिचय यहां पर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी आपकी बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता के आधार पर अभ्यासक्रम का चयन किया जाता है। उसमें मानव एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे आपस में विचार विनिमय करना पड़ता है और विचार विनिमय करने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। भाषा एक साधन के रूप में यहां पर प्रयुक्त है तो साहित्य में भाषा महत्वपूर्ण है। तो आज यहां साहित्य आप के लिए यानी मानव समाज के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है अथवा साहित्य किस प्रकार का होता है उसे इसके अंतर्गत यहां देखा जाएगा। यहां पर साहित्य शब्द जो है सहित ने हित के साथ ने जिसमें मानव समाज का लेखा जोखा है अथवा जिसमें मानव का कल्याण है वह साहित्य हो सकता है। ने यहां साहित्य की जो व्याख्या है अथवा साहित्य जो शब्द है वो साहित्य का शब्द इस प्रकार सहित ने कल्याण जिसमें आपका कल्याण है मानव समाज का कल्याण जिसमें है उसे इसके अंतर्गत रखा जाता है अथवा इसलिए साहित्य और समाज का जो संबंध है वो घनिष्ठ है। यहां इस अध्ययन की दृष्टि से ही आपके अध्ययन के लिए अभी जो साहित्य रखा हुआ है उसके पहले आप यह साहित्य किसके अंतर्गत आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साहित्य के मुख्य रूप से या काव्य के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का मतलब जो है वह आपने आंखों से देखते हैं अथवा जो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है वह देखकर आपका मनोरंजन होता है अथवा आपका आनंद होता है उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। यहां दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली ऐसी कितनी विधाएं हैं तो दृश्य काव्य के तीन प्रकार किए जाते हैं, एक नाटक, दूसरी एकांकी और तीसरा गीति नाट्य। नाटक रंगमंच पर खेला जाता है, एकांकी रंगमंच पर खेली जाती है अथवा गीति नाट्य भी रंगमंच पर होता है। नाटक के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण चित्रण उसमें किया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो उनके जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उसके आधार पर नाटक लिखा जाता है। नाटक इसलिए बड़ा होता है, रंगमंच पर खेला जाता है। दूसरी जो विधा है एकांकी, एकांकी नाटक की तुलना में छोटी है तो इसीलिए एकांकी में किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित एकाद महत्वपूर्ण घटना का विवेचन ने एकांकी के अंतर्गत किया जाता है तो इसीलिए नाटक की तुलना में एकांकी छोटी होती है। उसके पश्चात जो तीसरा है दृश्य काव्य का गीति नाट्य वो दोनों मिश्रित होता है।
ने थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा जो उसके अंतर्गत यहाँ कहा जा सकता है। जो इसी प्रकार यहाँ गीति नाट्य का निर्माण होता है। दूसरा जो भेद है यानी दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, यानी श्रव्य काव्य यह जो है, यानी श्रव्य का मतलब है सुनना, यानी जिसे मानव सुनकर मनोरंजन करता रहता है, आनंद व्यक्त करता रहता है, तो उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत श्रव्य काव्य के जो भेद है, श्रव्य काव्य के तीन भेद किए जाते हैं, एक है गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा है चंपू काव्य। गद्य के अंतर्गत आने वाली अनेक विधाएं होती है, उसमें उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य और साक्षात्कार, यानी सारी जो विधाएं है वह गद्य के अंतर्गत आती है। इसका मतलब उपन्यास बड़ा होता है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण कथा होती है, उसी प्रकार उपन्यास में होती है। उसी प्रकार जैसे एकांकी में किसी व्यक्ति के जीवन की एक कथा होती है, उसी प्रकार कहानी में होती है। तो इसी प्रकार इसके अंतर्गत निबंध हो, रेखा चित्र, संस्मरण वगैरह जो है, इसके अंतर्गत यह सारी जो विधाएं है वह गद्य के अंतर्गत आती है। श्रव्य काव्य का दूसरा जो भेद है पद्य काव्य। पद्य के दो भेद किए जाते हैं, एक है प्रबंध और दूसरा है मुक्तक। प्रबंध यानी बड़ा और मुक्तक यानी छोटा। मुक्त मुक्त छंद में लिखा हुआ जो साहित्य है मुक्त काव्य के अंतर्गत आता रहता है। तो इस प्रकार यहाँ प्रबंध काव्य के अंतर्गत तीन विधाएं आती है। प्रबंध काव्य के तीन भेद किए जाते हैं, जो बड़ा होता है तो उसमें एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा यहाँ जो एकार्थ काव्य। महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ। महाकाव्य बड़ा होता है, जैसे महाभारत ये महाकाव्य है, परंतु जो खंड काव्य है, खंड काव्य यह महाकाव्य की तुलना में छोटा होता है, इसीलिए द्रौपदी यह खंड काव्य हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य, इसी प्रकार प्रबंध काव्य के भेद किए जाते हैं। और मुक्त काव्य, पाठ्य मुक्तक, मुक्त काव्य के जो भेद है वह पाठ्य मुक्तक काव्य और गेय मुक्तक काव्य, इसी प्रकार के दो भेद किए जाते हैं। तो आज ये सारे भेद हो गए, साहित्य के प्रकार हो गए, लेकिन साहित्य के उन प्रकारों में से सत्र एक के लिए और सत्र दो के लिए, सत्र एक के लिए यहाँ पद्य का चयन किया, जो आपका किताब है, पाठ्य पुस्तक है, वह साहित्य जगत है। और साहित्य जगत इस पुस्तक के अंतर्गत, किताब के अंतर्गत आपके अध्ययन के लिए सबसे पहले पद्य रखा हुआ है। अरे पद्य के अंतर्गत चार इकाइयां हैं, अरे प्रत्येक इकाई के अंतर्गत चार कविताएं हैं, और ऐसी चार इकाइयों में से 16 कविता आपके अध्ययन के लिए प्रथम सत्र के अंतर्गत रखी हुई है। यहाँ जिस समय अभ्यासक्रम या अध्ययन अभ्यासक्रम का चुनाव किया गया है, उसमें आपके मानसिक और बौद्धिक जो स्तर है उसका भी ख्याल रखने का, विचार करने के लिए आपका, आपकी वैचारिक क्षमता, मानसिक क्षमता किस प्रकार की है, उसी के अनुसार यह पद्य का चुनाव किया गया है। तो इसमें अने एक ओर बौद्धिक स्तर के बारे में ख्याल रखा है, परंतु दूसरी ओर ने यहाँ मानव संवेदना, मूल्यान्वेषण की जो मूल्य निर्धारण की जो दृष्टि है, अथवा वैज्ञानिक सोच जो है, सामाजिक जो स्थिति है, स्वातंत्र्य, समता और बंधुता की जो भावनाएं है, राष्ट्रप्रेम की भावनाएं है, अने जीवन के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है, अथवा आपका जीवन के प्रति जो, आपकी जीवन के प्रति जो आस्था है, इन सभी का जो विकास है वो विकास इन साहित्य के माध्यम से होता रहता है। इसलिए इसके अंतर्गत कई कविताओं का
चुनाव यानी 16 कविताओं का चुनाव किया गया है। यहाँ साहित्य जगत यह जो किताब है वह साहित्य जगत किताब यानी आधुनिक काव्य में आधुनिक युग के अंतर्गत अथवा आधुनिक काव्य की एक सशक्त प्रवृत्ति पर प्रकाश डालने वाली किताब है, क्योंकि इसके अंतर्गत अलग अलग कवि की कविताएं हैं, अलग अलग कवियों की सोच है, अलग अलग कवियों की जो मनोवैज्ञानिकता है वो मनोवैज्ञानिकता इसके अंतर्गत है, उनकी उनका दृष्टिकोण है, यानी इसी कारण यहाँ अलग अलग प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने का काम यह साहित्य जगत किताब करती रहती है। इस काव्य के अंतर्गत अथवा इस साहित्य जगत इस किताब के अंतर्गत ने युग के अनुसार जो परिवेश है अथवा पारिवारिक जो स्थिति है, सामाजिक जो स्थिति है, उन सब को जानने पहचानने का विचार अथवा दृष्टि इसके अंतर्गत दिखाई देती है। आज आधुनिक युग जो है, वर्तमान युग जो है, इंटरनेट का है, साथ ही साथ संगणक का है, नहीं संगणक इंटरनेट इंटरनेट तथा ईमेल नहीं यह संगणक इंटरनेट तथा ईमेल का युग होने के कारण इस युग में मानव की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है अथवा मानव मानव के जो बीच जो दूरी है अथवा अजनबीपन जो है दूरी हो अजनबीपन अथवा भेद एक दूसरे के प्रति जानने की जो बेदर्दी है ने यह दिखाई देती है। ने इस प्रकार इसके अंतर्गत अजनबीपन दूरी बेदर्दी अथवा बेरहमी जो बढ़ती जा रही है उससे उसका संकेत अथवा आज वर्तमान युग में मानव के मन में यह जगाने की आवश्यकता है, इसीलिए इस युग में यह साहित्य महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंतर्गत यह जो बता दिया है कि जो अभी जो यह साहित्य साधन है जो स्वातंत्र्य समता अथवा ममता यानी समाज में समता अथवा ममता निर्माण करके एक मानव समाज के यानी स्वस्थ मानव समाज की निर्मिति साहित्य के माध्यम से होती रहती है। तो इसलिए अंतर्गत साहित्य जगत इस किताब में आपके अध्ययन के लिए जो 16 कविताएं रखी गई है तो इकाई 1 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बिच्छू कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान की बालिका का परिचय, नागार्जुन की तेरी खोपड़ी के अंदर, अध्यय की वसंत आ गया, यह 4 कविताएं रखी गई है। इकाई 2 के अंतर्गत अजीब सी मुश्किल कुंवर नारायण जी की कविता है, पैदल आदमी रघुवीर सहाय जी की है, 20 साल बाद धूमिल की कविता है, घर की या राजेश जोशी की कविता है। इकाई 3 में जो हो गई है पीर दुष्यंत कुमार की कविता है, माँ जब खानवा पर उसी थी चंद्रकांत देवताली की कविता है, एकलव्य कीर्ति चौधरी की कविता है, बेजगह अनामिका जी की कविता है। और इकाई 4 के अंतर्गत नया पैंट मंगलेश डबराल की कविता है, सत्ता उदय प्रकाश जी की कविता है, स्त्री मुक्ति की मशाल हो रजनी तिलक की कविता है और बाजार जया या जागवानी की कविता है। तो यह 16 कविताओं का नाम आपके सामने अब इसलिए रखा कि इन सभी कविताओं के अंतर्गत 16 कविताओं के अंतर्गत अलग अलग जो विचार है
अलग अलग जो दृष्टिकोण है अथवा कवियों की जो ऐतिहासिक कई उदाहरण इसके अंतर्गत लिए गए हैं अथवा कई सामाजिक उदाहरण लिए गए हैं, कई पारिवारिक परिवार से संबंधित घटना को लेकर कविता लिखी गई है, इसी प्रकार अथवा राजनीति से संबंधित कई इसमें कविता है, अथवा आधुनिक युग से संबंधित बैंक की जो स्थिति है उस पर विचार करने का प्रयास किया गया है, अथवा स्त्री जो स्त्री की मानसिकता है, अथवा प्राचीन काल से लेकर आज तक स्त्री के बारे में जो व्यक्ति की जो मानसिकता बनी हुई है उसे लेकर अने स्त्री मुक्ति की मशाल कविता लिखी गई है, बाजार हो अने सारी जो कविताएं हैं अलग अलग पहलुओं को अने उजागर करने वाली अथवा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को ही उजागर करने वाली, सबके सामने रखने वाली और उसके माध्यम से आप कहां पर हैं, आपको कहां जाना है अथवा किस प्रकार आपको भी यहां भविष्य के बारे में अपने जीवन के बारे में देखने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, इसलिए इन कविताओं को आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। यहाँ यह प्रथम सत्र के लिए है, इसी किताब के अंतर्गत आगे जो द्वितीय सत्र के लिए, दूसरे सत्र के लिए, अने जो पहले मैंने बता दिया कि गद्य है, अने गद्य के कई प्रकार जो है, गद्य के कई जो भेद है, उन भेदों का विवेचन यहाँ दूसरे सत्र के अंतर्गत आप करने वाले हैं। तो यहाँ अभी जो आपको बता दिया कि इन कविताओं के माध्यम से अथवा इस साहित्य के माध्यम से आपको, जैसे कहा जाता है कि साहित्य आपको क्या देता है, तो साहित्य आपको समाज में आपको किस प्रकार रहना है, प्राचीन काल की स्थिति किस प्रकार की थी उसका परिचय आपको मिलता है, यहाँ भूतकाल वर्तमान काल, भूतकाल किस प्रकार का था, भूतकाल में मानव की स्थिति किस प्रकार की थी, वर्तमान काल में किस प्रकार है, भूतकाल का विचार करते हुए वर्तमान में जीने की स्थिति आपको किस प्रकार जीना चाहिए अथवा जीने की आवश्यकता है, एक पथ प्रदर्शक अथवा एक पथ निर्माण करने का मार्गदर्शक के रूप में यह साहित्य हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसके बारे में, ये जो अध्ययन है इतना ही काफी है, आगे बाद में देखेंगे।